रोज एक कहानी। किससे अकबर बीरबल के। माजरा क्या है? बादशाह अकबर के दरबारी गण और प्रमुख सभासद अपने दीवान बीरबल से ईर्ष्या किया करते थे। वे उनकी बुद्धिमत्ता और वाक चातुर्य से दिल ही दिल में जलते थे और उन्हें पद से निलंबित करवाने के लिए षड्यंत्र रचा करते थे। षड्यंत्र रचने के लिए उचित अवसर आते ही रहते थे। एक दिन बीरबल दरबार में अनुपस्थित थे। बीरबल का अहित चाहने वालों के लिए ये शुभ अवसर था। वे एक स्वर में बोले, जहां पना, हमारी समझ में नहीं आता कि आखिर हम लोगों में क्या कमी है। अब बीरबल को हमसे अधिक सम्मान देते हैं, जबकि हम किसी भी क्षेत्र में उनसे पीछे नहीं हैं। उनकी बात सुनकर बादशाह मुस्कुरा उठे। उन्हें मुस्कुराता हुआ देखकर दरबारी बोला, आलम पना, उस आदमी से आपको इतना लगाव क्यों है? क्या वो हमसे ज्यादा विद्वान है? बादशाह ने इस बार भी मुस्कुरा कर कहा, बहुत फर्क है उसमें और आप लोगों में। हम जानने के इच्छुक हैं हुजूर। अच्छा, अंतर जानना चाहते हो? जी हुजूर, अंतर दिखाया जाएगा। इसी समय बीरबल के पास सूचना भेज दो कि वो 7 दिनों के लिए छुट्टी पर रहें और दरबार में ना आए। तुम लोगों में से जो सबसे चतुर हो वो उनका कार्य संभाले। इस 1 हफ्ते में हम तुम्हें फर्क का एहसास करा देंगे। फिर ऐसा ही किया गया। उन लोगों में जो सबसे चतुर था उसे बीरबल के स्थान पर नियुक्त कर दिया गया। बीरबल को सप्ताह भर के लिए छुट्टी दे दी गई। बादशाह उन सब की परीक्षा लेने का उचित अवसर खोजते रहे। 1 सप्ताह खत्म होने को आ गया। तब बादशाह ने दरबारियों को एकत्र करके उनके द्वारा चुने गए उस चतुर व्यक्ति से कहा, हमारे महल के पिछले हिस्से में कुतिया के बच्चों की सी आवाजें आती रहती हैं। देख कर आओ, माजरा क्या है? जी बहुत अच्छा महाराज, कहकर चतुर व्यक्ति चला गया। थोड़ी देर बाद लौटा, क्या माजरा है? बादशाह ने मुस्कुराकर पूछा। कुतिया ने बच्चे दिए हैं हुजूर, वे ही कूं कूं करते रहते हैं। बादशाह ने पूछा, वे कितने बच्चे हैं? हुजूर मैंने तो गिने नहीं। जाओ गिन कराओ, बादशाह बोले। व्यक्ति आज्ञा पाकर दोबारा गया और थोड़ी देर बाद लौटकर बोला, जहां पना, कुतिया ने 5 बच्चे दिए हैं, मैं स्वयं गिन कर आया हूँ। गिना है? जी हाँ। अच्छा, फिर तो तुमने ये भी जरूर देखा होगा कि उसमें कितने नर हैं और कितने मादा, बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा। वो चतुर व्यक्ति चकरा गया और बोला, जहां पना, ये तो मैंने नहीं देखा, तो जाओ देख कर आओ। वो व्यक्ति तीसरी बार गया और बच्चों को देख कर आने के बाद बोला, आलम पना, उसमें से 2 नर और 3 मादा हैं। अच्छा, तो जो नर हैं उनके रंग कैसे कैसे हैं? बादशाह ने पूछा। जी, वो व्यक्ति पुनः वहां जाने के लिए मुड़ा। मैंने दोनों नर बच्चों के रंग पूछे हैं, बादशाह ने कहा। जी, पर इस बात पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। वैसे उनमें से 1 तो काला है, 1 शायद सफ़ेद है। मैं एक बार फिर देख कर आता हूँ महाराज। इस प्रकार वो चतुर व्यक्ति 4थी बार गया और आकर बताया, 1 नर काला सफ़ेद है और दूसरा बादामी। मादा में से 2 काली और 1 बादामी है। बैठ जाइए, बादशाह ने कहा। वो व्यक्ति बैठ गया। अब बीरबल को यहाँ बुलाया जाए। बीरबल ने आते ही कहा, जहाँ पना, अभी तो 1 दिन और शेष है, मैं परसों अपने कामकाज पर आ ही जाता। जरूरी काम है, बादशाह पटाख से बोले। बीरबल ने नम्र भाव से कहा, जी सेवा बताइए महाराज। हमारे महल के पीछे के भाग में अजीब सी आवाजें आ रही हैं, जैसे कुतिया के बच्चों के कूं कूं की, कभी गुर्राने की। देख कर आओ, माजरा क्या है, और जरा जल्दी लौटना। जी आलम पना, कहकर बीरबल चले गए और थोड़ी देर बाद लौटे। बादशाह ने प्रश्न किया, क्या चक्कर है? कुतिया ब्याई है, 5 बच्चे दिए हैं, वे सब कूं कूं करते हैं। कुतिया रात में गुर्राती या भौंकती रहती है, और कोई खास बात नहीं है। वहाँ 5 बच्चे हैं, उनमें नर मादा कितने कितने हैं? बादशाह ने पूछा। 2 नर 3 मादा हैं, बीरबल ने बताया। उनका रंग कैसा है? बादशाह ने पूछा। 1 नर काला सफ़ेद, दूसरा बादामी, 2 मादा काली और 1 बादामी है। बीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह प्रसन्न हो गए। उन्होंने स्वयं पर गर्व किया कि उन्हें एक बुद्धिमान व्यक्ति मिला है जो उनके साथ रहता है। अपनी प्रसन्नता दबाए हुए वे बोले, अब तुम लोग समझ गए होगे कि तुम में और बीरबल में क्या फर्क है। क्यों श्रीमान जी? जी, उस व्यक्ति का सिर शर्म से झुक गया। जिस काम को वो 4 बार में कर सका और 2.5 घंटे लगाए, बीरबल ने वो काम 1 ही बार में केवल 1/2 घंटे में कर दिया था। वो समझ गया कि उनमें और बीरबल में क्या फर्क है।
बीरबल ने जो सम्मान और पद पाया है वो अपनी योग्यता और बुद्धिमत्ता के बल पर पाया है। प्रस्तुति लिब्रा वेलफेयर सोसाइटी।